पीठ के अनन्य सहयोगी सुप्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय चौधरी मित्रसेन आर्य जी की प्रथम पुण्यतिथि 27 जनवरी 2012 शुक्रवार को परम मित्र विद्या निकेतन गांव खांडा खेरी हिसार में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक मनाई जा रही है। इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु हम आपको आमंत्रित करते हैं। निवेदक चौधरी रुद्रसेन, संपर्क 9961-24666। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। यदि आप एक दिन घर से बाहर निकलते हैं तो आपके 1825 दिन अच्छे से बीत सकते हैं। किसान अच्छे से खेती कर पाएंगे, उनको उनकी फसल का पूरा मूल्य मिलेगा। जो मजदूर हैं, कारीगर, उनको ठीक से रोजगार मिल पाएगा, वो सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी पाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा यदि एक दिन घर से बाहर निकले और सही लोगों को चुना। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, जो मजदूर हैं, कारीगर हैं, उनको उनकी मेहनत का पूरा दाम मिल सकता है, किसान को उसकी फसल का पूरा वाजिब मूल्य मिल सकता है। इस 121 करोड़ लोगों की, तो उन साधारण लोगों की बात कर रहा हूं, और वो लोग जो समर्थ हैं उस सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। इस देश का व्यापारी, उसको कोई भी जाकर के अधिकारी है, इस तरह से उसके साथ बदसलूकी करता है, उसको 10 तरह के नोटिस थमा देता है, उसका बीपी बढ़ा देता है, शुगर बढ़ा देता है, हार्ट अटैक करवा देता है, उसको जबरदस्ती उठा करके जेल में डाल देता है, और कोई भी पुलिस जाकर के धमका देता है, उसके ऊपर आईपीसी सीपीसी की ऐसी धारें लगा देता है जो अंग्रेजों के वक्त में लगा करती थी क्रांतिकारियों के ऊपर उनको सताने के लिए, आज वही धारें एज इट इज लगी हुई। इसलिए हम कहते हैं इसको पूरे हिंदुस्तान को बदलने की जरूरत है, पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, सारे अंग्रेजी कानूनों को बदलने की जरूरत है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई आओ, अब चुनाव का वक्त है तो इस समय अपना कर्तव्य निभाओ, देश के प्रति तुम्हारा दायित्व निभाओ। यदि काला धन आ गया तो सबको सब कुछ मिल जाएगा। लोग कहते बाबा जी किसानों को वाजिब दाम कहां से मिलेंगे, पैसा ही नहीं। रोजगार कहां से मिलेगा, पैसा ही नहीं है। इंडस्ट्री कहां से लगेगी, पैसा ही नहीं है। मजदूर किसानों को उनकी मेहनत का पूरा वाजिब दाम कैसे मिलेगा, पैसा ही नहीं। अरे पैसा तो सब जिम के बैठे, लूट लिया, अब इसको बचाना है। एक शब्द प्रयोग किया जाता है, चौतरफा लूट, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से दसों दिशाओं से हम कह सकते हैं। एक राजनीतिक तंत्र, दूसरा सरकारी तंत्र, तीसरा व्यापारी तंत्र, और चौथा विदेशी तंत्र, चौतरफा लूट रहा है। और मैं कहा पहले लूटे 400 लाख करोड़ पे, आजादी से पहले, आजादी के बाद लूटे 400 लाख करोड़ पे, और अब जो अर्थव्यवस्था है उसमें आधे से ज्यादा तो लूटी मची हुई है, और आने वाले 5-10 वर्षों में लूट लेंगे और 400 लाख करोड़ रुपए। वह तो कहता हूं यह भी कम बता रहा हूं मैं, इस देश में 20,000 लाख करोड़ रुपए, 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं। जो लोग देश पर सत्ता करते हैं वो खाली एमएलए एमपी बनने के लिए, खाली लाल बत्ती की गाड़ियां लगाने चलाने के लिए, अपना ध्वज दिखाने के लिए नहीं करते। उनको पता है देश उनके हाथों में होने का मतलब है ये 20,000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उनके हाथों में आ गई, अब इसके साथ वो खिलवाड़ करते, इसके साथ छेड़छाड़ करते, इसको इस तरकीब से लूटते हैं कि पता भी नहीं लगने देते। अच्छा चलो, ये जो कुछ घोटाले हमारे सामने आ जाते हैं, ये तो वो आते हैं ना कि जो सरकारी बजट बना उसमें से कमीशन खाया, उसमें से ये चीजें हमारे सामने आती है। इस देश में से कितना सोना लूट लिया, कितना कोयला लूट लिया, कितना हीरा लूट लिया, कितना एल्युमिनियम लूट लिया, कितना इस देश के अंदर से तेल लूट लिया, कितनी गैस लूट ली, किसी को पता ही नहीं है। कॉमनवेल्थ घोटाले से, इस 2G घोटाले से बहुत बड़ा घोटाला तो इस देश के अंदर कोयला का घोटाला है। कोयला के घोटाले में तो अक्सर सबके मुंह काले मिलेंगे आपको। अब हीरा इस देश में इतना ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास, वहां पर इतना ज्यादा जो है डायमंड है, वहां हर दिन वहां से डायमंड निकाला जाता है, पिछले करीब 10 सालों से निकाला जा रहा है, 10-15 सालों से। बड़ी बड़ी टॉप की, विश्व की टॉप कंपनियां वहां पर बैठी हुई, और वहां से लूट करके आता है, वहां से फिर हेलीकॉप्टर से रायपुर आ जाता है, रायपुर से और दूसरी जगह चला जाता है। आप किसी को नहीं पता इस बात का। इस देश में
आपने पीछे सुना होगा एक कंपनी को जब एल्यूमिनियम का ठेका देने की बात आई तो बोले 1,00,000 करोड़ रुपए का ठेका है। क्या लूट मची हुई है। अब हिंदुस्तान को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। हम ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता दे देते हैं और फिर वो हमें प्रलोभन देते हैं, हम तुम्हारे लिए ये दे देंगे, हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। और हिंदुस्तान के लोग भी सोचते हैं कि ठीक है, इतना ही हमारे लिए कर रहे हैं, यही लिए बहुत है। हम ऐसे भिखारियों की तरह दरिद्र होकर के, दया के पात्र बनकर के जीते रहते हैं। तो अब ये बहुत बड़ी जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग सोचें कि हम वोट क्यों दें, हम वोट किसे दें, और वोट अच्छे लोगों को देकर के हम देश को कैसे बचा सकते हैं। और हमने एक गलत वोट दिया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। और एक वोट देने का अधिकार, यदि हम पूरे आजादी के संघर्ष को देखें तो एक वोट देने का अधिकार एक बलिदान के बदौलत हमें मिला है। माने एक वोट के पीछे एक व्यक्ति ने अपनी जान दी है, तभी यह हिंदुस्तान आजाद हुआ करीब करीब। या उसके लिए जो है उन्होंने असह्य पीड़ा को सहा है। कितने लोगों ने तप किया और तब हमको लोकतंत्र में खाली एक वोट डालने का अधिकार मिला, और इसको भी हम ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। समर्थ लोग वोट नहीं करते, असमर्थ लोगों के वोट जो है नोट में बिक जाते हैं, कोई किसी को दारू पिला करके वोट ले लेता। तो ये जो चीज है इससे हिंदुस्तान को बाहर निकालना पड़ेगा। और चुनाव के वक्त हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम जिन लोगों को वोट दे रहे हैं वो लुटेरे तो नहीं है। तो अब इस हिंदुस्तान को मैंने कहा बचाने के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करके कि आखिर एक तो वो लोग थे जो देश के लिए जीते थे, देश के लिए मरते थे, देश के लिए लड़ते थे, और उन्होंने जो किया वह इतिहास हमारे भीतर स्वाभिमान भरता है, शौर्य पराक्रम भरता है, हमारे भीतर आत्मगौरव का भाव होता है, अपने देश के लिए मरने मिटने का जज्बा हमारे भीतर पैदा करता है। और एक तरफ ये लोग उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब सुभाष चंद्र बोस बोलने में पूरा नाम नहीं होता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। और आजकल के नेताजी, उनका नेताजी किसी को कोई ऐसे मजाक में भी कह देना तो बोले मेरे को बेईमान समझ रखा है भाई। मतलब वो शब्द को, नेताजी शब्द को बेईमानी का पैरामीटर बना दिया, मानदंड बना दिया कि किसी को नेताजी कह दिया इसका मतलब वो घोटालेबाज है, नेताजी कह दिया इसका मतलब बेईमान है, नेताजी कह दिया इसका मतलब धोखेबाज है। ये आखिर हुआ कैसे? और अब इसको बदलना है तो इसको बदलने का वक्त है चुनाव। और इस समय हमने कहा कि बहुत बड़े जोश की, बहुत बड़े संकल्प की देश को आवश्यकता है। और इन 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहा है, एक तो सब लोग कम से कम घरों के से बाहर निकले। हम 365 दिन हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक इस राष्ट्र की सेवा में अपना तन मन धन जीवन अर्पित किए हुए। तो जो लोग अपने घरों में बैठ करके आराम से जी रहे हैं, घर है, परिवार है, बिजनेस है, व्यापार है, सब कुछ है, किसान है तो खेती है, कुछ ना कुछ छोटा बहुत कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, इस देश ने आपको सब कुछ दिया है, तो एक दिन तो घर से बाहर निकले। 100% वोटिंग होनी चाहिए, लोग वोट करने के लिए बाहर ही नहीं निकलते। जो विवेकशील है, समझदार है और वो देख सोचते हैं कि भाई देश के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, तो अरे निकलो तो सही ना बाहर। जो उपलब्ध में से आपको लगता है कि ये 5 लोग हैं, इनमें से कम एक को तो चुन लो। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी अब आप भी लोग यही बात कहते हो कि जो कम बेईमान है उसको चुन लो। मैंने कहा ये ऐसे ही परिवर्तन तो ऐसे ही शुरू होता है। मैं तो सबसे आह्वान करता हूं कि जो हर रोज टीवी नहीं सुन पाते वो इन बातों की चर्चा जो यहां से सुनते हैं उसको दूसरों के साथ में बांटा करें, बात किया करें। क्यों नहीं करें हम बात? जब हम देश में कोई अनहोनी हो जाती है, देश में कोई बुरा काम हो जाता है, तो 10-20-50 आदमी फोन करके बताएंगे, अरे आपको पता है ऐसा हो गया वैसा हो गया। देश में आज चारों तरफ अनहोनी हो रही है,
देश पूरा लूट रहा और हम बात ही ना करें आपस में तो ठीक नहीं होगा। तो आज सब बात करें, सब मिलकर के बैठें, घरों में बैठकर के सोचें, गलियों में बैठकर के सोचें, गांव में बैठने वाले आपस में मिलकर के सोचें कि देश को कैसे बचाना है। एक तरह से हमारा पूरा देश एक राष्ट्रीय संकट के दौर से गुजर रहा है और इस राष्ट्रीय आपदा के समय यदि हम नहीं जागे तो देश का सब कुछ लुट जाएगा। आपस में सोचें, विचार करें, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, कैसे गांव बचेगा, कैसे भारत आगे बढ़ेगा। यह अलग बात है कि इतने पतन के बाद भी आज दुनिया के 204 देशों में हम चौथे नंबर पर हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंदुस्तान को हमने बचा लिया। ठीक, लोगों के हाथों में देश की सत्ता। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम छोटी सी कोई जिम्मेदारी किसी के हाथों में सौंपते हैं तो सोचते हैं इसकी योग्यता क्या, अरे इतना बड़ा देश सौंपते इसकी, ये तो बहुत जिम्मेदार लोगों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए। जो गुनहगार है, जिस देश की लूट के लिए जिम्मेदार, उन लोगों के हाथों में बार बार हम सत्ता सौंप देते क्यों नहीं, अब सोचने की जरूरत है। तो देश के बारे में सोचें, स्वदेशी के बारे में सोचें। अब इस काम को पूर्ण रूप से सिरे चढ़ाने के लिए और 100% इस देश को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये जो अब 2012 में एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है, इसमें हम संपूर्ण भारतवासियों को आमंत्रित करते हैं। यदि हम थोड़ा सा भी अपने देश के बारे में बड़े रूप में विचार करते हैं तो चारों तरफ बहुत चुनौतियां हैं, बहुत संघर्ष हैं, बहुत संकट हैं, बहुत समस्याएं हैं। उन सब के बीच में हम देश की सबसे बड़ी दो ज्वलंत समस्याओं के बारे में यदि सोचें और उन दो का समाधान हो गया तो फिर पूरे देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस देश की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, एक भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र और दूसरा विदेशी कंपनियों की लूट का षड्यंत्र। और इसका समाधान मैंने बताया, बहिष्कार। भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र का बहिष्कार, एक भी भ्रष्ट बेईमान गद्दार भारत की इस लूट के लिए गुनहगार, भारत की इस दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार, उनको वोट नहीं देना। ये बहुत बड़ा हथियार है और आज इस देश को हमें बचाना है तो हमें इस बहिष्कार के हथियार को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र का बहिष्कार, तब इस देश में सच्चा लोकतंत्र आ सकता है। भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र का बहिष्कार और वोट की ताकत से ऐसे लोगों को विधानसभाओं और लोकसभाओं में हमें चुन करके भेजना चाहिए जिनका जीवन निष्कलंक हो, जिनके जीवन में ऊंचे मूल्य हों, आदर्श हों, जिनकी जिंदगी का मकसद इस देश को महान, क्योंकि पूरे देश की ताकत राजनीति के पास है। हमको राजनीति नहीं करनी, हमको एमएलए एमपी नहीं बनना, हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना, लेकिन अच्छा एमएलए बने, अच्छा एमपी बने, अच्छा मुख्यमंत्री बने, अच्छा प्रधानमंत्री बने, ये हस्तक्षेप तो हर भारतीय को करना है। और यही है लोकतंत्र, यही हमारा संविधान हमें सिखाता है, ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि हम अच्छे लोगों को वोट करें। तो भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र का बहिष्कार, जिन्होंने लोकतंत्र को लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बना दिया, उनका बहिष्कार, और भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र के साथ साथ विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र का भी बहिष्कार करना है। स्वदेशी का व्रत लें, नशा मुक्ति का व्रत लें, देश सेवा का व्रत लें, योग करने का व्रत लें, इसी से देश का कितना भला हो जाएगा। यदि कुल उसका मूल्यांकन किया जाए पूरे देश में, जो एग्रीकल्चर के नाम पर जो लूट रही है, जो हेल्थ के नाम पर लूट रही है, फिर मैं ये तीन शत्रु मैं बता रहा था, विदेशी बीज, विदेशी खाद, विदेशी कीटनाशक, ये तो तीन तो बड़े शत्रु हैं जिससे गांव बर्बाद हो रहे हैं। फिर नशा, ड्रग्स, बीडीसी के शराब से लेकर के, फिर उसके बाद बीमार होते हैं। इन ये पांच सेक्टरों में मैक्सिमम कब्जा विदेशी कंपनियों का है। गांव बर्बाद हो रहे हैं, व्यक्ति बर्बाद हो रहे हैं, राष्ट्र बर्बाद हो रहा है। देश को बचाना है तो वापस देशी खाद, देशी कीटनाशक, देशी बीज और नशा मुक्त जीवन, रोग मुक्त जीवन, पूर्ण स्वदेशी जीवन, पूर्ण आध्यात्मिक जीवन, जीवन में किसी भी तरह का कोई दोष ना हो। हम सब ऋषि पुत्र हैं, हम सब ईश्वर पुत्र हैं, उस ईश्वर खुदा अल्लाह और माइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष, उस परमात्मा के हम संतान हैं। हम ईश्वर पुत्र होकर के, ऋषि पुत्र होकर के, भारत माता की संतान होकर के हम नशों में बर्बाद हों, हम बीमार हों,
हम लाचार हो करके जिए नहीं, हमें अब स्वावलंबी होकर के जीना, आत्मनिर्भर होकर के जीना, पूरे देश को स्वावलंबी बनाना है, विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से देश को बचाना है। तो सब संकल्प करें कि हमें स्वदेशी को ही अपनाना है किसी भी कीमत पर। आज मैं कह रहा था हेल्थ के सेक्टर में विदेशी दवाइयां करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट होती है हर साल। मैं उसको खर्चा नहीं बोलता, लूट बोलता। जब हम निरोगी होकर के जी सकते हैं तो रोगी होकर के क्यों लूटें और क्यों देश को लूटाएं? 10 लाख करोड़ रुपए की लूट हेल्थ सेक्टर में, ऐसे ही ड्रग्स में, बीड़ी सिगरेट शराब में, इसमें तो 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होती। और बीज खाद कीटनाशक के नाम पर जो लूट होती है, इसका भी मूल्यांकन किया जाए तो ये भी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मिलेगी। और यदि अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, FMCG प्रोडक्ट्स हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें चले जाएं और फिर जो है हमारी स्टेशनरी से लेकर के पेन पेन मोबाइल से लेकर के तमाम चीज़ों में, तो आज पूरे देश की मैं कह रहा था करीब आधी अर्थव्यवस्था पर, 16 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। अब इससे इस देश को मुक्ति दिलानी है, देश के इस आर्थिक पतन को रोकना है, देश के नैतिक पतन को रोकना है। कितने ऊंचे आदर्श थे हम सब के, कितने ऊंचे नैतिक मूल्य थे हमारे जीवन में, कितना ऊंचा आदर्श था हमारा, कितना ऊंचा सदाचार था हमारे जीवन में। आज वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वदेश, सुप्रधान की जो हमारी ऊंची उदात्त परंपराएं, हमारे सारे नैतिक मूल्य ध्वस्त हो गए, ढह गई हमारी सारी परंपराएं, टूट गया सारा हमारा सामाजिक ताना बाना। आज हमें इस देश को दो दृष्टि से तो तुरंत बचाना है, एक आर्थिक दृष्टि से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से इस देश को ऊपर उठाना है। यही धर्म है, यही अध्यात्म है, या तो अभ्युदय श्रेष्ठ सिद्धि सा धर्म। दरिद्रता का नाम भी धर्म नहीं है। जहां अर्थ नहीं होगा वहां अनर्थ होगा, अधर्म होगा। इसलिए सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। आचार्य चाणक्य ने कहा सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, और वह नियंत्रित होता है राज्य से, और राज्य नियंत्रित होता है जितेंद्रियता से। अब हमें वापस अपने सांस्कृतिक सत्यों को इस राष्ट्र में पुनः प्रतिष्ठापित करना है। उसके लिए पूरे देशवासियों को पूरी गंभीरता के साथ सोचना है, प्रामाणिकता के साथ उसके लिए काम करना है। और ये देश की पीड़ा आखिर लेकर के मैं अकेला ही क्यों जीऊं? स्वामी विवेकानंद जी भी बार बार कहते थे कि जो देश प्रेम की अग्नि मेरे भीतर प्रज्वलित तो हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हर भारतीय के भीतर वह देश प्रेम की अग्नि जरूर प्रज्वलित होगी। और देशवासी राष्ट्र धर्म को सबसे बड़ा धर्म, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को सर्वोपरि मान करके, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, सम्मान करके देश के लिए जिएंगे और यह भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा, और भारत के उदय में एक नए विश्व का उदय होगा, भारत के अभ्युदय में एक नए विश्व का अभ्युदय होगा। हमारा विकास किसी का विनाश करने के लिए नहीं है, अभी तो विश्व कल्याण के लिए ये भारत का विकास। तो भारत को हमें आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से परम वैभवशाली बनाना है। भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र और विदेशी कंपनियों के लूट का षड्यंत्र, इसका सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से पूर्ण बहिष्कार करें कि हमें भ्रष्ट नेता नहीं चाहिए, हमें विदेशी कंपनियां नहीं चाहिए, तभी हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। और हर हाथ को काम चाहिए, जवानों के हाथों में काम नहीं होती है तो फिर उनके हाथों में बंदूक आ जाती है, कोई नक्सलवादी बन जाता है, कोई माओवादी बन जाता है, कोई आतंकवादी बन जाता है। हथियार उठाने से राष्ट्र का विकास नहीं होगा, इन हाथों में काम होना चाहिए। जब हाथों में काम नहीं होता है तो हाथों में बंदूक आ जाती है, हाथ में शराब की बोतलें आ जाती है, उससे जीवन नष्ट हो रहा है। हमें भारत को बचाना है। और यदि हमने आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने देश को नहीं बचाया तो आने वाला समय भारत का बहुत खतरनाक होगा। चुनाव, लोकतंत्र।
लोकतंत्र का महापर्व है। चुनाव में निष्कलंक व योग्य व्यक्तियों को वोट करके हमें लोकतंत्र को लूट तंत्र होने से बचाना है। चुनाव के समय हमें ये संदेश भी जन जन तक पहुंचाना है कि 400 लाख करोड़ का काला धन देश को मिलने से कैसे देश व देशवासियों की तकदीर ही बदल सकती है। जब तक काला धन देश को नहीं मिलेगा तब तक भारत गरीबी से मुक्त हो ही नहीं सकता। गरीबी हटाने व विकास के नाम पर कुछ पार्टियां 64 वर्षों से देश पर राज कर रही हैं, लेकिन हकीकत देश के सामने है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा सरकारी बजट का लगभग 90% धन बेईमान लोग बेखौफ लूटते रहेंगे। इसलिए देश व लोकतंत्र को बचाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए तथा गरीब मजदूर व किसानों को न्याय दिलाने के लिए, भारत को परम वैभवशाली विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना है। स्वामी जी के काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध व संस्कारवान व वैभवशाली राष्ट्र निर्माण के संकल्प को, जो हम सब करोड़ों भारतीयों का सपना है, इसे हमें संगठित होकर साकार करना है। स्वामी जी ने 20 वर्षों से अधिक समय से रात दिन मेहनत करके देशवासियों का स्वाभिमान जगाया और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में आह्वान किया है कि देश की लूट के गुनाहगार व जिम्मेदार एक भी व्यक्ति विधानसभा में चुनकर नहीं पहुंचना चाहिए। जिन्होंने देश को बेरहमी से लूट लूट कर काला धन जमा किया है तथा जो पार्टियां काले धन को बचाने में तथा काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सताने व मिटाने में लगी है, उनको वोट देना ये देश के साथ धोखा, विश्वासघात व महापाप है। अब चुनाव के दौरान काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर श्रीमद दयानंद बाल सदन मोतीनगर, लखनऊ, मैनपुरी व राठ बुंदेलखंड में विशाल जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है तथा जहां बड़ी जनसभाओं की अनुमति नहीं मिली है वहां पत्रकार वार्ता व कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन तय किया है। इन सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए आगे आइए और देश व देशवासियों के लिए संघर्ष कर रहे एक योगी, योद्धा, सन्यासी, राष्ट्र पुरुष के साथ खड़े होकर एक ऐतिहासिक भूमिका निभाइए। भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी विचार, सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित करने के लिए देश भर में वर्ष 2012 में हमारी 1,00,000 स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना की योजना है। 3,000 से 5,000 की आबादी वाले बड़े गांव व छोटे कस्बों में जो भी व्यक्ति स्वदेशी केंद्र खोलना चाहते हैं तथा जो देशभक्त, निष्ठावान, कर्मठ युवा कार्यकर्ता जो आर्थिक विषयों में कम से कम स्नातक हैं, वे स्वदेशी प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वे अधिक जानकारी हेतु पतंजलि योगपीठ में संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 01334-0008-248-999-246-737-244-107 और 24888, फैक्स 01334-244-805 और 240-664, वेब www.patanjaliayurved.org, ईमेल swadeshi@patanjaliayurved.org। पतंजलि स्वदेशी केंद्र हेतु मुख्य जानकारियां। Drinking water.